दिन है, क्रिकेट का दिन है। देखो मैं भी अभी मैच खेल के आया हूँ दोस्तों, तो मेरी क्लब टीम है यहाँ पे नोएडा में, हम भी मैच खेल के आए थे जस्ट टू गेट इन द वाइब ऑफ द सुपर संडे। क्योंकि जब कभी इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं तो वो संडे नहीं, वो सुपर संडे होता है। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट इंडिया के फेवर में जाए और हमारी टीम जोर से खेले, जोरदार टक्कर दे पाकिस्तान को, बट नो मैटर हु विंस, सुपर संडे है, इस बात में कोई शक नहीं। और आज दोस्तों वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बहुत सारे लोग को यह खबर जाननी जानने की ख्वाहिश होगी, इच्छा होगी कि भाई बारिश का क्या चांस है, क्योंकि बारिश के आसार बहुत थे कल तक मेलबर्न में। लेकिन मैं आपके लिए खुश खबरी लेके आया हूँ कि फिलहाल MCG पे मेरे जो वहां पे मित्र हैं जो जुड़े हैं उनसे अपडेट आ रहे हैं, द स्काईज आर क्लियर, द फोरकास्ट इज फॉर लेटर इन द डे। और सबसे अच्छी बात यह कि फोरकास्ट को लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फोरकास्ट इज नेवर 100% एक्यूरेट, और कल तक जो 70, 80, 90% के बीच जो बारिश की फोरकास्ट था अब वो काफी कम हो चुका है। और फिलहाल दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर नीला आसमान है, बादल नहीं छाए हुए हैं, इट्स अ क्लियर गेम। एम एस धोनी, हु सेइंग, सुमित पांडे इज सेइंग MS धोनी। चलिए शायद आप कुछ खबर लेके आए हैं धोनी के बारे में जो हम नहीं जानते, बट लेट्स गेट आवर फर्स्ट गेस्ट ऑन टू द शो, वेरी फेमस नेम इन इंडियन क्रिकेट, मनविंदर बिस्ला। दोस्तों आप पहले भी इन्हें देख चुके हैं T20 अड्डा में, एंड वंस अगेन लेट्स ब्रिंग मनविंदर बिस्ला ऑन टू द शो, एंड देन विल गेट आवर सेकेंड गेस्ट सौरभ पंत एनी 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 मोमेंट नाउ। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून जेमी, गुड टू सी यू। काफ़ी दिनों बाद वापस शो करते हुए, और पिछली बार भी इंडिया पाकिस्तान किया था और आज शुरुआत भी इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से कर रहे हैं। बिल्कुल गुड टू हैव यू एंड अ वेरी वेरी स्मूथ स्टार्ट दिस टाइम। आपने बिल्कुल सही बात करी, इनफैक्ट दिस इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर थीम दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग ऑन माय ओन शोस। कि एक टाइम पे आप तो जानते होंगे कि इफ इट वाज द 90s प्लेइंग पाकिस्तान इन द यूएई मेंट फ्राइडे, फैंटास्टिक फ्राइडे, रिजल्ट हमेशा हमारी तरफ नहीं गए थे, बट वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडेज। लेकिन पिछले 8-10 साल से फॉर रीजन आई वॉन्ट गेट इन टू, अब वो फोकस हो चुका है संडे पे। क्योंकि अगर आप 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देखे तो संडे, 2015 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था संडे को, एशिया कप संडे, लास्ट ईयर इसी टूर्नामेंट में संडे। तो फ्रेंकली मैं जब भी सुनता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आई नो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर संडे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि रिजल्ट क्या हो। और इसके पीछे मुझे ना रीज़न लगता है कि जो आप 90s की बात कर रहे हैं ना, कि इंडिया पाकिस्तान बहुत लगातार खेलते थे और यूएई में जस्ट फ्राइडे इज़ अ काइंड ऑफ हॉलीडे, तो हॉलीडे पे आपको वो मैचेस खेल देखने को मिलते थे। अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत कम होते हैं, सिर्फ ICC इवेंट्स में हो रहे हैं या एशिया कप में खेलते हुए आप देखते हैं, तो वो जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, वो संडे इज़ द बेस्ट डे, सब लोग छुट्टी पे हैं, वो मैच पूरा देखें, इस मैच का लुत्फ़ उठा सकें, क्योंकि मैचेस रेगुलर देखने को नहीं मिलते हैं आपको। पूरे साल के अंदर आप हार्डली 2 या 3 मैच खेलते हैं, और जितना वो प्रेशर फैंस के ऊपर होता है उतना ही प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर भी आता है, क्योंकि आप वो लगातार नहीं खेल रहे हैं, वो बदला लेने के लिए भी ना आपको बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। नहीं, आपने अभी बिल्कुल सही बात छेड़ी जिसके बारे में आई वाज गोइंग टू आस्क यू। बदला बदला, इज इट जस्ट लाइक अ मार्केटिंग थिंग टू गेट द फैंस? एज अ प्लेयर, प्लेयर कितना उस चीज के बारे में सोचते हैं? नहीं, ऑब्वियसली लाइक आपको पता है, जैसे जैसे हमारी हिस्ट्री रही है इंडिया पाकिस्तान की, तो सारे फैंस सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं ना इमोशनल रहते हैं, इमोशंस उस गेम में जुड़ते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि हम उसको उस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं, सबके वो उस गेम के साथ इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा इमोशंस रहते हैं। और पहले क्या था ना, हम लगातार खेलते थे तो वो थोड़ा सा मैचेस आपको देखने को मिलते रहते थे, अब लेकिन वो मैचेस का जो डिफरेंट जो आप कहेंगे ना टाइम, वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब बायलैटरल सीरीज हम लोग नहीं खेलते हैं, सिर्फ ICC इवेंट्स वगैरह में खेल रहे हैं, एशिया कप में खेल रहे हैं। और तो ऑब्वियसली जब आप एज ए इंडियन टीम, एज ए इंडियन फैन, आप देखते हैं कि हमारी टीम यार बेस्ट है, मतलब इतनी अच्छी टीम है, तो आप पाकिस्तान की टीम को भी आप नज़रअंदाज नहीं करते, बिकॉज उनका जो बॉलिंग अटैक है, जो दोनों ओपनर्स हैं, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन उनके पास है, तो आप बेस्ट टीम को हराना चाहते हैं। बिल्कुल, स्पीकिंग ऑफ बोलिंग एंड बैटिंग, अब जो भी कॉन्टेस्ट है अक्सर हम बैटिंग वर्सेस बोलिंग के बारे में हम करते हैं, बट थिंग्स हैव सॉर्ट ऑफ चेंज सर सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप। मेरा ये मानना है कि इंडियाज बैटिंग हैज गॉट इट टुगेदर, अब जो है हमारी बोलिंग प्रॉब्लमेटिक है। और जिस भी ओपनर्स के बारे में आपने जिक्र किया था, आई हैव सीन देम, रिजवान और बाबर, इनकी स्ट्रेंथ भी या कभी कभी इनकी वीकनेस भी हो जाते हैं, बिकॉज ये इतने इतने ओवर ये खेलते हैं एंड दे डू सो वेल, बट समटाइम्स इट डज नॉट गिव दैट
समवट इनकंसिस्टेंट मिडिल ओवर अचानक, मतलब जितना मैं देखा इस साल इनका कोई फिक्स तीन नहीं है, इनका कोई फिक्स चार नहीं है, इनका फिक्स कोई पांच नहीं है. हाउ डू यू सी द मैचअप? इज इट नाउ पाकिस्तान समवट स्टम्बलिंग मिडिल ऑर्डर वर्सेस आवर बॉलिंग, और यू विल स्टिल से नहीं इट्स देयर गुड बॉलिंग वर्सेस आवर गुड बैटिंग? नहीं, ऑब्वियसली लाइक पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है, और जिस तरीके से मुझे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जिस वर्ल्ड लास्ट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जब इंडियन टीम का इतना प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था, और जो उसके बाद सुनने में भी आ रहा था ना ड्रेसिंग रूम से जो न्यूज़ आ रही थी, वो है कि बहुत इस बारे में चर्चा भी हुई कि नो टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा. हम लोग उस तरीके से नहीं खेल रहे थे कि पाँच ओवर खेल जाएँ, 30 रन पे 2 विकेट गिरे तो आपका पूरा मैच खराब हो जाता है. मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. अगर आपको 2 विकेट ही खोनी है तो लेट्स गो फॉर 6 ओवर्स में 50 रन के आसपास हो ताकि वो स्टार्ट अच्छा मिले पॉजिटिव. और उसके बाद से आप देख रहे हैं ना, केएल राहुल को देखते हैं, रोहित शर्मा को देखते हैं, जिस भी टॉप थ्री में बैटिंग करते देखते हैं, वो सारे ही बैट्समैन पॉजिटिव खेल रहे हैं, थोड़े रन्स बनाने को देख रहे हैं. डेफिनेटली डेफिनेटली मुकाबला ज़रूर रहेगा पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेज इंडियन बैटिंग, क्योंकि वो दोनों उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारी अच्छी बात है कि हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैलेंस करती है. थोड़ा सा पिछले अगर आप बात करते हैं कुछ मैचेस से थोड़ा स्लॉग ओवर्स में दिक्कत जरूर हुई है, बट भूवी के पास इतना एक्सपीरियंस है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है. मुझे लगता है भूवी के पास जितना एक्सपीरियंस है और वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस उनके पास, मतलब मुझे लगता है वो कहीं बेहतर करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर. और पाकिस्तान के आपने वो ओपनर्स की बात करी, मुझे लगता है जो आपने बात करी बिल्कुल वो सही चीज़ है कि आपके जब ओपनर्स इतनी ज़्यादा गेंदे खेल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मिडिल ऑर्डर के लिए. अगर आप 40 बॉल में 40 रन बना के अगर आप आउट हो गए ना तो मिडिल ऑर्डर को आते ही वो आपको मारना पड़ेगा, आपके पास उस समय नहीं है कि आप पिच पे समय व्यतीत कर सके. फिर आपका एक बंदा आप 40 पे 40 हो ना तो आपको अगली 20 बॉलों में 40 रन और बना दीजिए ताकि वो रन रेट का बढ़ जाए, स्ट्राइक रेट आपका अच्छा हो जाए, तो टीम के लिए काम ईजी हो जाता है. टॉप थ्री हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और ऐसा नहीं है, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टॉप थ्री गोइंग अराउंड, बस पोटेंशियल तक खेले इस अटैक के अगेंस्ट, तो इस टीम को कोई नहीं रोक सकता. सर बहुत बहुत कमेंट्स आ रहे हैं सेइंग वेलकम मनविंदर जी बैक टू द शो, वेरी नाइस टू हैव यू हियर. वन कमेंट फ्रॉम समबडी कॉल्ड, आई थिंक द नेम वाज सौरभ पंत, वो पूछ रहे थे कि विल रेन विन द मैच, इसी बात पे सौरभ पंत को लाते हैं शो पे. आई वाज वंडरिंग वेयर वी लॉस्ट आवर गुड फ्रेंड सौरभ पंत. दोस्तों स्वागत है फिर से वंस अगेन द वेरी फनी सौरभ पंत. नमस्कार भाई और बहनों, हेलो. नहीं नहीं, यू हैव ए वेरी इंटेंस कॉन्वर्सेशन, तो आई थॉट कि मैं रुक जाऊं थोड़ा, मतलब लेट इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस गेट डन, और फिर मैं आपके आपके थोड़ी बेवकूफी करूंगा. हेलो बिस्ला सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू. मैं तो लिटरली आई थिंक सुबह से हम सब यही कर रहे हैं कि मतलब कोई भी मेलबर्न से कोई भी कोई व्लॉग व्लॉग निकाल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ. आई एम सीइंग विमल कुमार्स व्लॉग, आई एम सीइंग दिस पर्सनस व्लॉग, भरत सुंदरेश सबके व्लॉग देख रहा हूँ, और सब ऐसे कर रहे हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ. होपफुली ऊपर की जरूरत ना पड़े और प्रॉपर 20-20 मैच हो, 40 ओवर्स का मैच हो, और जो टीम अच्छा खेले वो जीते. Correct. Yeah. But इसी बात पे right now the forecast is much better. बादल नहीं है, blue sky है. But Maninder, if it is the reduced match, 5, 8, 10 जो भी है, कौन सी टीम के लिए अच्छी बात रहेगी? आई थिंक कभी भी ऐसा वेदर का फोरकास्ट भी रहता है, यू नो, और ज़्यादातर टीम्स टॉस जीत के ना फील्डिंग करना पसंद करती हैं, क्योंकि नेवर नो कि दोबारा वो बारिश आ गई, थोड़ा सा मैच और छोटा हो गया. अब बैटिंग फर्स्ट ना, आपको पता नहीं होता कि यार इतने छोटे ओवर्स में कितने रन ठीक रहेंगे, कितने रन बनाने हैं, तो कभी कभार आप ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, वहाँ पर अपनी विकेट लूज कर जाते हैं, तो वो फर्स्ट इनिंग में टारगेट सेट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए मुझे जब भी ऐसा मौका होता है कि यू नो बारिश आएगी, तो ज़्यादातर आप देखते हैं 100% कैप्टन को टॉस जीत के फील्डिंग करने के लिए. करेक्ट. Let's get Saurabh back on the show. He probably hit some button and exited. So, sir, we have divided the show up into some segments. Jo pehla segment hai, we're looking. It's called the numbers game. I'm going to bring that AV up, which Saurabh is very familiar with. Let's hope I get the right one again. And we'll come on. Come on, Jamie. This is the right one. Yeah, you did it, Jamie. Good job once again. AV king of focus and glance. यार जब मैं अपने सोलो ग्लांस में करता हूँ, कितनी बार वो बोलता है कि दिस वीडियो कितना प्रेशर डाल दिया मुझ पे ग्लांस वरना शो होस्ट करो और सारे एवीज बिल्कुल सटीक टाइम पे लाना. सो लुक, आई कीप इट ब्रीफ बिकॉज़ वी हैव अ लॉट टू डिस्कस. ये हमारे व्यूअर्स के लिए, ओवरऑल इन टी20 11 मैचेस द रिकॉर्ड इज 8-3 इन फेवर ऑफ इंडिया. इन द टी20 वर्ल्ड कप 6 मैचेस
इंडिया 5 पाकिस्तान 1, और ये जो 1 के बारे में बात कर रहा हूं, हम आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे, बहुत हम चर्चा कर चुके हैं पिछले एक साल उस चीज के बारे में। अगर हम 2020 के देखें, दिस इज द मोस्ट टी20 आई पैक्ड ईयर किसी भी इंडियन टीम के लिए किसी भी साल पे। जाहिर सी बात है टी20 वर्ल्ड कप है, तो बीसीसीआई वांटेड टू गेट द मोस्ट मैचेस। इंडिया दिस ईयर बीट वेस्ट इंडीज 3-0 एट होम दोस्तों, 3-0 श्रीलंका एट होम, दे टाइड द सीरीज 2-2 विद साउथ अफ्रीका। पांचवा मैच जो कोटला में था, बारिश के कारण वो हो नहीं पाया। दे बीट आयरलैंड ऑन द सेम टाइम अ टेस्ट टीम वाज प्लेइंग अ मैच, हमारी बी टीम आयरलैंड जाके 2-0 जीते। फिर 2-1 दे बीट इंग्लैंड, दे बीट वेस्ट इंडीज 4-1 out of the group stage in the Asia Cup. We did a lot of shows on that. I don't think we should go into that again. They beat Australia 2-1 and they beat South Africa 2-1. Pakistan ko dekhe, lost 1 T20. But taajub ki baat ki mere liye ki ek teen test match series ke baad, which was like 3 months ago, I think, Pakistan played their first T20 of the year, like some 7 months into the year. This was shocking for me that of all the top teams, they played the least T20s. They got to the final of the Asia Cup. Wahan pe Sri Lanka ne inhe haraya. They lost to England narrowly 4-3, and recently they won a tri series in New Zealand. So that is the stats out of the way. Let's get into the matchup, because bahut sare log baat kar rahe kai haftos se, which spinners should play, which fast bowlers will play. I think a lot of talk, Manvinder and Saurabh, has gone on about the fast bowlers. I'll put you both on the spot. Other than you, Manvinder, which two spinners aapko lagta hai India ko aaj khilana chahiye, ground ke hisab se, weather ke hisab se, aur Pakistan ke batting ke hisab se? मुझे लगता है यूजी और अक्षर अगर आप देखेंगे तो टू स्पिनर्स होने चाहिए आपके। अश्विन नो डाउट आपके पास, उनके पास एक्सपीरियंस है, बट अगर आप देखें दोनों ओपनर्स राइट हैंडर हैं और पाकिस्तानी बैटिंग में राइट हैंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक नवाज लेफ्ट हैंडर हैं, ऊपर से एक 3 नंबर पर जो बैटिंग करने आएंगे वो भी लेफ्टी हैं। उसके अलावा लेकिन जितने भी हिटर्स हैं या जो लंबी बैटिंग करते हैं ज़्यादातर राइट हैंडर्स हैं। अक्षर को आप नई बॉल से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाज हैं, स्मार्ट हैं, और जितना वो नई बॉल से, मुझे लगता है पावर प्ले में जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उससे बेहतर कोई गेंदबाजी कर नहीं सकता। तो अगर आपके पेसर्स काम नहीं कर रहे हैं तो अक्षर को आप पावर प्ले में भी लेके आ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वैलिड पॉइंट। आई थिंक जहां अक्षर की बात करते हैं सौरभ, ही इज विकेट्स वाइज ये हमारा नंबर वन स्पिनर है इस साल के। जडेजा इंजर्ड थे और यहाँ नहीं है। व्हेन यू प्ले द मोस्ट मैचेस ऑब्वियसली यू गेट अ चांस टू टेक मोर विकेट्स, बट जो अक्षर ने पावर प्ले के अंदर इस साल ये रोल किया था सौरभ, यू थिंक दैट मेक्स हिम एन ऑटोमेटिक कैंडिडेट टू डू इट अगेन? डिफरेंट कंडीशंस, बिगर ग्राउंड्स, बट यू वांट टू प्ले ऑफ दैट कंसिस्टेंसी वाइब एज वेल, राइट? नहीं, पर अक्षर के साथ आई थिंक द थिंग इज आई एम क्यूरियस टू नो हाउ सबकॉन्टिनेंट टीम्स प्ले हिम, बिकॉज इंग्लैंड को तो समझ में नहीं आता कि कौन सी बॉल सीधी जा रही है, कौन सी बॉल उल्टी जा रही है, बट आई हैव अ फीलिंग दैट लाइक पाकिस्तान स्पेसिफिकली माइट प्ले हिम अ लिटिल बेटर। लुक, आई होप नॉट, आई होप ही टेक्स 6 विकेट्स इन 6 बॉल्स, दैट्स माई नंबर्स गेम। बट आई थिंक कल मैं वो मैच आई वॉज वॉचिंग टुडे श्रीलंका वर्सेज आयरलैंड, एंड हसरंगा ने एक बॉल डाली विच इज एग्जैक्टली हिम डूइंग केदार जाधव, और मैंने ट्वीट भी डाली केदार जाधव को कि ये ब्लेटेंट प्लेगरिज्म है, वो ऐसे नीचे जाके ऐसे डालने वाली बॉल, एंड इट गॉट मी थिंकिंग लाइक आफ्टर दिस शुड इंडिया ड्राफ्ट एंड केदार जाधव एज अ रिप्लेसमेंट, आई थिंक जस्ट टू पुट प्लेगरिज्म चार्जेस ऑन हसरंगा। बट व्हाटएवर मिस्टर बिस्ला सेड, एंड आई थिंक काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब इट्स चहल और अक्सर, और आई थिंक हर्षा भोगले ने इसको बेस्ट कहा कि अश्विन इज डिसाइडेड दैट इन T20s ही इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव बोलर, वेर एज चहल को विकेट चाहिए, और आई थिंक पाकिस्तान के साथ तो एंड में तुम्हें विकेट ही चाहिए, बिकॉज वो वंस इफ यू गॉट द टॉप टू आउट देन इमीडिएटली द प्रेशर इज ऑन दिस थिंग। सो या आई एग्री विद द असेसमेंट। What about the fast bowlers? क्योंकि जितना भी हम देख चुके हैं राहुल द्रविड रोहित शर्मा की जोड़ी को लेके, they have rewarded consistency. Yes, there have been some chopping and changes, लेकिन मेरे हिसाब से ये changes आए हैं क्योंकि players ने rest दिया। हर्षल पटेल has played a lot of matches. हर्षल पटेल ने इस साल इतने T20s खेले जितने मोहम्मद शमी ने अपने 9 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में नहीं खेले। But मनिंदर, do you think जो 4 विकेट उन्होंने लिया था प्रैक्टिस मैच में, do you think perhaps that's edged him closer or it's a straightforward? नहीं, हर्षल ज्यादा मैच खेल चुके तो हर्षल खेलेंगे। डिपेंड, एक्चुअली मुझे लगता है कि इस चीज़ में ना डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी। तो हर्षल का जो इस टीम के अंदर रोल है वो शमी का नहीं है। शमी अगर इस टीम में खेलते हैं या प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं, आपको उनको नई बॉल से गेंदबाजी करते देखेंगे, पावर प्ले में देखेंगे, या फिर एक ओवर मिडिल ओवर में डाला, फिर लास्ट ओवर एक स्लॉग ओवर में डाल दिया। जब हर्षल का रोल है ना बहुत डिफरेंट है, हर्षल को 2 ओवर अपने पावर प्ले के लिए रखने पड़ते हैं, जो जिस तरीके से इस्तेमाल भी उनका किया गया है या कैप्टन रोहित शर्मा ने जो भरोसा दिखाया है, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि शमी का रोल और हर्षल का रोल बहुत डिफरेंट है। हर्षल ने जो रोल आईपीएल में अपनी टीम के लिए किया है, इंडियन टीम के लिए रोल किया है, वो बहुत ही मुश्किल रोल है, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, अपना बिलीव चाहिए आपको अपने अंदर, क्योंकि आपका जो रन रेट होगा ना हमेशा बहुत ज़्यादा होगा, आप 9-10 रन खाएंगे, क्योंकि स्लॉग ओवर भी अगर आप 9 रन का ओवर निकालते हैं इसका मतलब आपने अपना काम को बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे लगता है कि वो रोल्स बहुत डिफरेंट हैं। अगर शमी इस जगह, अगर इस प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे तो मुझे लगता है वो जगह बनेगी अर्शदीप की जगह या भुवनेश्वर की जगह। That will be a big call for if there's no Bhuvneshwar. But again, Bhuvneshwar has been India's best bowler this whole year in terms of wickets. So that's probably not something you want to tanker. I think Saurabh, ये बात है कि कैसे आप bowlers को use use करते हो? Because some bowlers जो death over specialist नहीं है, उनसे रोहित ने कभी-कभी ज़्यादा overs फेंकवाए end में। और एंड में मतलब ये विकेट्स की जो टैली रहती है ना, लाइक अभी सैम करन टुक 5 विकेट्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगर उसको वापस हाईलाइट्स देख लो तो इट वाज बेसिकली कि दे हैड दे डिडंट नो व्हाट टू डू एट द एंड, लाइक 5 विकेट्स ऑल कॉट इन द बाउंड्री और ऑल कॉट समवेयर एल्स, तो इट इज लाइक इट वाज आई मीन इट वाज ऑब्वियसली स्किल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट एंड में इफ यू आर बॉलिंग एट द डेथ द लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग मोर विकेट्स इज सिग्निफिकेंटली हायर। एंड आई थिंक भुवी इज ऑल्सो प्लेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मैचेस, इंडिया इज गिवन हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। पर अभी वो शामी का तो वो जो 1 ओवर डाला ना, लाइक इट्स लाइक आई थिंक लाइक इंडिया होल प्लान से बोली गॉन, लाइक हाँ यही तो हमें चाहिए था। एंड लाइक रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ लाइक देखो हम तो कब से बोल रहे हैं शमी बेस्ट है। एंड आई थिंक आफ्टर जस्ट दैट 1 ओवर एंड द वे ही इज बीन रिलैक्स्ड एवरीवेयर एंड ऑल दैट, एंड ऑल्सो आईपीएल का यू कांट डिसरिगार्ड। और अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद एक कम बैक कर सकते हैं, वह ही इज ब्रेकिंग पीपल्स टोज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ऑल आई थिंक कौन था गुरबाज कुड मेक इट, ऑलमोस्ट कुड मेक इट इन द नेक्स्ट मैच बट बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी, तो इफ इफ शाहीन शाह अफरीदी कैन डू इट सो शामी कैन डू इट। आई थिंक आई वुड अर्शदीप हैज टू प्रोबेबली प्ले बिकॉज इंडिया नीड्स दैट लेफ्ट आर्म। आई थिंक दैट वॉज अ वन डिफरेंस बिटवीन अस इवन वेन वी कुंट टेक 1 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान इन दैट लास्ट वर्ल्ड कप। सो या आई थिंक इट्स ईदर गोइंग टू बी भुवी और हर्षल हुज गोना गेट ड्रॉप। पर अभी ये प्री मैच में तो ये वाइब्स भी आ रही है कि अश्विन भी खेल सकता है, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बहुत बहुत इसी बात पे मैंने पोल लगाया हमारे व्यूअर्स के, 51% ऑफ आवर व्यूअर्स सेड इंडिया थर्ड पेसर शुड बी शमी और 49% हर्षल। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो 4 विकेट शमी ने लिए थे जिसमें से एक में कोहली का बहुत बड़ा हाथ था, इट इज थ्रोन थिंग्स आउट ऑफ वैक। बट बिकॉज वी ओनली हैव 5 मिनट्स फॉर द टॉस, आई एम गोना मूव इनटू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज द फैंटेसी प्रेडिक्शन। Let's get up that AV first before we proceed any further. इसमें मैं आप दोनों से पूछूंगा आपके top 3 performers from a fantasy perspective. That was the fantasy section sponsored by Highscore. तो सर मनविंदर जी, स्टार्टिंग विथ यू फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव, कौन से 3 प्लेयर्स हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट्स के लिए, फैंटेसी प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट नेट कर सकते हैं? दे कैन बी 3 इंडियन, 3 पाकिस्तानी, दे कैन बी मिक्स, व्हाटएवर यू फील द top 3 इंपैक्टफुल प्लेयर्स। मुझे लगता है केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव एंड थर्ड विल बी हरीश राव। Harish Rao, that's a good name. He knows the conditions. He knows the Melbourne Cricket Ground. Inka dusra second home hai inke liye, and he's beggar at the death. That's a very good top 3. Saurabh, but also great choice by like to have those three, because aap jante ho ki matlab the likelihood of KL Rahul and Surya Kumar Yadav staying till the death of India's innings is low, aur fir Harish Rao aake 3 wicket lega. So you are winning in either direction. Very well thought out plan. Sateek. I would say I think I'm going with Virat Kohli. I just like I'm liking the vibes. I'm so happy for him that he's finally found like and the ye pressure nikal gaya ki bhai century kab maroge, like ha maar diye abhi chill maro tum log, and everybody suddenly stopped talking about his form since that 100, which is very hilarious. His scores are still the same but they're like are achanak Virat Kohli ko batting aa gayi, wo CK aaya kahin se. So I'm going with Virat Kohli, and I'm going with Chahal. And I'm going with I like Harish Rauf. I'm a big fan of Harish Rauf, so absolutely yes. But just to pick up what you said about this vibe, na, main Vimal Kumar ke itne videos dekha main, because he zoomed into Virat Kohli. But ek na ek kya kahun, ek matlab you're a player, aap wahan reh chuke hain. Ek jo he's just looking a bit more relaxed. Maybe it's the fact that he's got runs. Bilkul sahi kaha Saurabh ne. But even beyond that, ek calmness और एक peace है उनके चेहरे पे, उनके body language में, which leads me to believe that he could have a very good World Cup. Definitely, बिल्कुल। और अगर आप देखते हैं ना कि जस्ट वो एक जो एक पिछला 1 साल देखते हैं, 1.5 साल देखते हैं, थोड़े से रन्स में शॉर्ट थे,
कैप्टेंसी के इतने बड़े इश्यूज हुए, सो आदमी कहीं ना कहीं, आप कितने भी ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लग जाता है। मुझे लगता है जो लास्ट एशिया कप था वो काफ़ी रिलैक्स थे, रन्स बने, तो वो आपको जो पुराने विराट कोहली दिखते थे ना, वो इस वर्ल्ड कप में दिख सकते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर से वो प्रेशर दबाव हट गया है और वो कैप्टनसी का भी जो था ना रोल समझ गए कि जो निकल गया सो निकल गया, राइट नाउ अभी मुझे क्या करना है, मैं भारतीय टीम के लिए बेस्ट क्या तरीका है, मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। अब जो किसी बल्लेबाज से आप पूछेंगे जब आपकी पिछले 2-4 इनिंग में रन लगे हों, आप रन्स बना के आ रहे हो, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आप बिल्कुल मतलब आपको लगता है कि विकेट भी अच्छी है, इस विकेट पे तो बहुत ही फ्लैट विकेट है, बैट्समैनों के लिए रन है। जब आपके रन्स नहीं बन रहे तो हर पिच आपको लगती है यार ये स्क्वायर टर्नर है, ग्रीन पिच है, बहुत मुश्किल है यहाँ तो सब कुछ। तो आई थिंक विराट इज़ बहुत ज़्यादा सेटल है अपने नए रोल के अंदर और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल विराट लुक्स हैप्पी, वो आते हैं तो प्रेशर थोड़ा कम होता है। आई एम गोना क्विकली गेट इनटू आवर थर्ड सेगमेंट आफ्टर द क्विज फॉर ऑब्वियस रीजंस व्हिच सौरभ एंड अभिजीत गांगुली आर वेरी फेमस विद। इट्स माय सेकंड फेवरेट सेक्शन, इट्स कॉल्ड टोटल रिकॉल। आई विल पुट अप द ग्राफिक हियर फॉर आवर व्यूअर्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू इसमें क्या होता है। That was total recall. Manvinder, it's very simple. Total recall. आप या तो आपकी सबसे पुरानी यादें इस rivalry को लेके या आपकी सबसे best. It doesn't have to be from बचपन. It's your choice. But that one India-Pakistan memory which you think, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। I think अगर पुरानी याद की बात करते हैं तो 1996 World Cup जब वेंकटेश प्रसाद ने अमित सोहेल को आउट किया था, वो जब अमित सोहेल ने पहले उनको कुछ थोड़ा सा बोला था, उसके बाद वो वेंकटेश प्रसाद की वापसी और आउट, नेक्स्ट बॉल पे आउट करना, तो क्योंकि आप ऑलरेडी इतने पम्प्ड अप होते हैं इस मैच के लिए और जब वो स्पेशली ऐसा मूवमेंट हो और एक इंडियन ने वो इतनी ज़बरदस्त कमबैक करी, तो आप उस गेम से हमेशा जुड़ के रह जाते हैं। और जो अगर नेक्स्ट जो मुझे लगता है मैं हमेशा उस मैच से जुड़ा रह गया, वो मुझे लगता है कि 2003 वर्ल्ड कप में जो सचिन सर की इनिंग थी, जो मतलब जिस अटैक के साथ इतने हाई प्रेशर गेम में वो खेली थी, उन्होंने वकार, यूनिस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सो उस अटैक के सामने वो इनिंग, आई थिंक वो जो बैटिंग थी वो देख देख के हम लोग मतलब बड़े में और अभी तक वो एक शॉट बाय शॉट सब कुछ दिमाग के अंदर है। Absolutely. आपकी बातें सुन के मेरे एक्चुअली रॉन्ग पे खड़े हो गए। आई थिंक दैट वुड बी एवरीवनस टॉप 2। सौरभ नहीं तो आई मीन ऑब्वियसली ये तो अल्टीमेट मेमोरी है और फिर उसके बाद आई थिंक दे रिक्रिएटेड अमित सोहेल और वेंकटेश प्रसाद ने जाके वो जो रिक्रिएट किया था। And it was very funny to watch because Amit Sohail ki, I mean, listen, I don't want to fat shame anybody, par unki tone kafi spectacular thi. So you are like, it's so interesting to see like players after their, this thing is done, Amit Sohail is like, maine jo karna tha kar liya, abhi main khaunga tha. Like, good, happy for you, good job. So as long as he's happy. But I would say one thing, one memory of mine for India-Pakistan cricket was Rajesh Chauhan hitting a 6 to win the match. बिकॉज इतने सालों से हम लोग वो सुनते आ रहे थे जावेद मियांदाद के बारे में एंड आई हैडंट सीन दैट मैच बिकॉज टू यंग टू वॉच क्रिकेट बैक देन और पापा भी बोलते रहे अरे जावेद मियांदाद ने छक्का मारा ये वो एंड देन आई सॉ राजेश चौहान आउट ऑफ ऑल पीपल लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड हिट अ सिक्स एंड ही डिड इट। आई थिंक ही हिट 2 sixes, आई डोंट नो 1 six ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर राजेश चौहान ने आके प्रेशर सिचुएशन उससे जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बोलने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके बाद वाला तीसरा जो डिसाइडर था जो इजाज अहमद ने अपना कुल्हाड़ी चलाया हम लोग के अगेंस्ट, आई कीप दैट एज पेनफुल, आई मीन दैट वाज अ थिंग बट दैट वाज अ ग्रेट सीरीज। और ये वो सीरीज था आफ्टर आई थिंक इंडिया कुछ 9 साल के बाद 8 साल के बाद पाकिस्तान गई थी 97 में फॉर 3 1-day मैचेस, एक वो दिन था एक आज है, इट्स बीन 15 इयर्स मनविंदर सिंह द टू टीम्स हैव प्लेड अ टेस्ट मैच, सो लेट्स होप थिंग्स डू गेट बेटर। कुछ खबर है, टॉस है, रोहित टॉसेस, बाबर कॉल्स टेल एंड इट्स हेड्स, इंडिया आर गोइंग टू बोल फर्स्ट। मनविंदर योर इमीडिएट थॉट्स ऑन हियरिंग के जैसे कि हमने कहा था टीम्स वांट टू फील फर्स्ट। बिल्कुल, और क्योंकि और ये बहुत बड़ा पिच को देखते हैं कि पिच में किस तरीके से पिच है, थोड़ा सा शुरू में आपको मदद मिल सकती है नहीं मिल सकती है, देन वेदर कंडीशन जो लगातार कई मुझे लगता है कई दिनों से एक टॉपिक बना हुआ है कि मेलबर्न में बारिश हो सकती है, थोड़ा सा फोरकास्ट है, तो ऑब्वियसली आप प्लान करके चलते हैं कि अगर
कुछ हुआ, अगर मैच ड्यूरिंग मैच कुछ बारिश आ गई, थोड़ा मैच शॉर्ट होने लगा, तो आपको बेटर चांस रहता है चेज करने के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या टारगेट चेज कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ना टारगेट सेट करना, तो इसलिए मुझे लगता है जहाँ थोड़ा सा बारिश का रहता है ना, तो टीम्स ऑप्ट करती हैं कि थोड़ा सा बॉलिंग कर लें पहले, उसका फायदा उठाया जाए कंडीशंस का। I'm the waiting to see what the five main bowlers are. But until then, Saurabh, your take on this. I mean, we've seen this. हमने कितने शो पे बात किया है कि teams just prefer to chase. Do you think any captain is going to buck that trend in the Super 12s? I think didn't this one Josh Butler did that, no? Right now, he chose to field against Afghanistan. And उनका track record, I think कोई बता रहा था कि England का track record ऐसा था कि पिछले आई थिंक उनके पिछले 16 मैचेस में जो 8 मैचेस में जब उन्होंने चेस किया था, दे हैव वन ओनली 2 मैचेस और द रेस्ट दे वन ओनली बैटिंग फर्स्ट। सो आई थिंक ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट एन ऑपोजिशन और व्हाटएवर, पर आई थिंक वो बस इंग्लैंड का तो मतलब आई डोंट नो व्हाट लेवल दे आर प्लेइंग टी20 क्रिकेट राइट नाउ, वेयर लाइक टिल नंबर 10 दे कैन बैट, इट्स लाइक इट्स अ रिडिकुलस टीम लाइक उनका। बट या आई एग्री विद मनवर्दा, आई थिंक फॉर श्योर बैटिंग, आई लाइक हाउ रोहित इज गोइंग थ्रू हिज टीम कार्ड राइट नाउ, यू कैन सी द पेपर वेयर ही इज लाइक अच्छा इसको सिलेक्ट किया क्या मैंने, बिकॉज रोहित शर्मा हैज बीन सेइंग फॉर वीक्स नाउ दैट ही हैज डिसाइडेड ऑन द टीम लॉन्ग बैक, तो ही नोस हू इज गोइंग टू बी प्लेइंग। या इसी बात पे आई एम गोना पुट मनिंदर ऑन द स्पॉट, यू बीन इन द आईपीएल फॉर मेनी इयर्स, हम देखते हैं कि कप्तान बोलता है वी मेड 3 चेंजेस मुझे याद नहीं है, ये क्या इज एक्चुअली दैट कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द फॉरनर रेशियो? मैं समझता हूँ आप रात को लेट जागते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग मैच, इज इट दैट कंफ्यूजिंग? और ये हम व्यूअर्स के लिए ये होता है ये नहीं, थोड़ा सा आईपीएल में जरूर होता है क्योंकि हर मैच में 2-3 चेंजेस होते हैं बट स्पेशली जब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर आप कोई अगर इंजरी इश्यूज नहीं है तो आप चाहते हैं कि जो आपके सेट ऑफ प्लेयर्स है 11 और 12 आप उन्हीं से वो ज़्यादातर मैचेस खेलें, ज़्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है और जो आपके आपने अभी जैसे आपने बोला भी कि ना कि बहुत पहले से डिसाइड किया होता कि ये मेरी प्लेइंग 11 होगी, बैकअप मेरे ये रहेंगे, तो आपको पता होता है स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभी जब होता है आप ग्राउंड में आते हैं, टॉस पे आते हैं, ऑलरेडी इतना बड़ा गेम है, प्रेशर है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इतनी बात हो चुकी है, 4-5 दिन की बारिश होगी, अगर बारिश आती है व्यूअर्स आप लोग अपने ग्लांस लॉक स्क्रीन पे लिख दीजिए विच टीम डज अ शॉर्टर मैच सूट बेटर, जैसे ही हमें 11 का मालूम पड़ेगा तो विल कीप ऑन गोइंग। 53% have said India, I think all three of us have discussed the same thing, in a shorter match India given their batting would prefer that, the poll is going on for the 3 seconds to 3-1, it's up 56% have said, 57% have said India and 42% have said Pakistan. That still doesn't give us 100%. Something, there's a ghost in the system here. But India ka glance chal raha hai na, have some confidence in your side. Like I'm saying, only 56% believe that India can win. It should at least be 70%. इसके बाद जो साहिल आफ्रिदी और बाबर और रिजवान ने किया था, उसके बाद से I think half people have lost faith there. क्योंकि ये वर्ल्ड कप में आके यार, तो आप कह रहे हो कि आई एम नॉट गॉट 11 यर, यू आर सेइंग अश्विन एंड शामिया एंड, सो मनिंदर आपने कहा था कि यू वुड हैव लाइक टू सी चहल, डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दोस टू लेफ्टीज और परहैप्स बिकॉज जसप्रीत बुमराह जैसा अनुभवी बॉलर रही है, सो दे हैव गॉन फॉर समवन हुज गॉट दैट एक्सपीरियंस, वुड दैट हैव बीन अ फैक्टर फॉर अश्विन? कह सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो अब दोनों अगर आप फिंगर स्पिनर लेके आए हैं ना, और दोनों ही स्पिनर्स मुझे लगता है पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, तो आप जिस तरीके से मैच चलेगा, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप एक फिंगर स्पिनर को पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, चाहे वो आप अक्षर को देखें या आप अश्विन को करें, क्योंकि दोनों के दोनों नई बॉल से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, और जस्ट हम स्पिनर को हमेशा देखते हैं ना कि मिडल ओवर्स में आएंगे, वहाँ पे बीच में गेंदबाजी करेंगे जब थोड़ा गेंद पुराना देखें, लेकिन नई गेंद से भी आप अगर अच्छे स्पिनर हैं, अच्छी क्वालिटी आपके पास, तो आप विकेट दिला सकते हैं अपनी टीम को। और इस तरीके से अगर मैं कुछ ऐड करूं, दोनों अगर पाकिस्तानी ओपनर्स की आप बात करते हैं, दोनों को पेस के खिलाफ बैटिंग करना पसंद है, दोनों पसंद करते हैं फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करना, तो स्पिन एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है वहाँ पे, कि उन दोनों को मतलब उनके सामने स्पिन से शुरुआत करा लें, या पहले 2-3 ओवर अगर पेसर कर रहे हैं तो उसके बाद आप एक स्पिनर को लेके आ सकते हैं। Saurabh, it's a tricky one because if you look at Ashwin versus Chahal, Shayad,
It's beyond the permutation combination. Ashwin is a decent batsman also in this format. So kahin na kahin batting hamari thodi middle order thodi weak hai. If you have Akshar batting at 6 or 7, probably Ashwin the batsman may have also been a factor. For sure, because even right now you see the side, it's like that Bhuvneshwar is obviously a batter and I mean, he bats decently in T20. I don't think he's played any knock, which is like crazy, but he's done decently. Ashwin toh matlab opening batsman, all that stuff he's done for Tamil Nadu. So yeah, obviously that must have been a choice because Chahal is, I think he's in the running for one of the best number 11s in world cricket. Even though he wants to open, I think Chahal wants to open, and I wish to see like that. See, I think the team management has messed up here. They should have had Chahal play as an opening batsman. Uske uska wo sapna pura kar lo just for the Instagram reels. Come on, just Dhanashri dancing on the side, egging on Chahal. That's what we need. But I have a question for both of you, which is a technical question. I mean, Manvinder, you've obviously played so much. Do you think that with the lights and overcast conditions, isn't that more matlab, effective for Shaheen Shah, somebody who has swing to be bowling later on? वो मुझे नहीं लगता कि मतलब कंडीशंस डिपेंड करते हैं कि वो अगर अंडर लाइट्स हो बॉल स्विंग होगा कि नहीं होगा. इट्स नॉट लाइक कि आप लाइट्स में आए तो बॉल आपका स्विंग होगा ही होगा. और आप सिर्फ एक जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना मैच जीतने की, तो आप खाली शाहीन को लेके नहीं करते. आप ये सोचते हैं कि आपकी पॉजिटिव मतलब आपका जो बेस्ट चीज़ क्या है, किस तरीके से हम चेज में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या हम फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट कॉन्फिडेंट हैं. तो बहुत सारी चीज़ें आप लेके अपने साथ चलते हैं, तब आप डिसाइड करते हैं कि विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि पिच किस तरीके से है, यहाँ पे क्या इस कंडीशन में रिकॉर्ड रहा है, चेज करना पसंद है, बैट फर्स्ट करके आप ज़्यादा चीज मैचेस जीतते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में लेके चलते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि अगर टॉस जीते तो करना क्या है. तो किसी खाली एक गेंदबाज के खिलाफ प्लानिंग करके मुझे लगता है कि टॉस में डिसाइड करना बहुत मुश्किल चीज़ है. I put up a poll here for our viewers. Viewers, आप जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अपने व्यूज दीजिए. Are you in agreement with India's 11? अगर आपको लगता है कि किसी और को खेलना चाहिए था, तो प्लीज आप अपने लॉक स्क्रीन द्वारा यहाँ पे हमें बताइए, and we will talk about it. It's an interesting one because like we're talking about, वो शामी did not do anything in that match, guys, until वो आखिरी ओवर, right? तो पूरे 20 ओवर के मैच में आपका योगदान कुछ नहीं रहा था, और आपने अचानक आके एक तो आपने यॉर्कर डाला. मनविंदर, द यॉर्कर इज समथिंग विच मतलब मेरे सोशल मीडिया फीड पे मैं देखता हूँ कि यार लोग कहते हैं यार यॉर्कर नहीं है. यस, यॉर्कर नहीं, लेकिन यॉर्कर डालने वाला भी एक स्किल है. यू थिंक कहीं ना कहीं जो बिकॉज भूवी फ्रेंकली खो चुके हैं वो स्किल डेथ ओवर्स में. अर्जदीप अभी युवा खिलाड़ी है, 12-13 मैच खेल चुके हैं. हर्षल एक टाइम पे ठीक थे, बट ही इज नॉट अ यॉर्कर स्पेशलिस्ट. हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक इन्होंने देखा कि यार शमी ने 3 के 3 तो डाले स्टंप्स पे. मुझे लगता है कि ना कि अगर आप शमी की बात करते हैं, शमी की अगर परफॉर्मेंसेस आईपीएल में देखते हैं, तो गुजरात ने जब वो आईपीएल जीता है उसमें बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जो वजह थी ना वो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी थी. जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी पूरे आईपीएल के अंदर, तो उन्होंने काम बहुत अपने बखूबी किया, लेकिन इंडियन सेलेक्टर्स ने वो भरोसा नहीं दिखाया आईपीएल के बाद उनको कि वाइड बॉल क्रिकेट उनको खिलाई जाए, या वो जगह नहीं समझी उनकी, क्योंकि नए नए लड़कों को ट्राई किया, बहुत सारे यू नो फास्ट बॉलर्स को खेलते हुए दिखाए. लेकिन अब वर्ल्ड कप में जब आपके एक जसप्रीत बुमराह जैसे मेन गेंदबाज आउट है, विकेट टेकर वर्ल्ड कप से बाहर निकले, तो आपको एक विकेट टेकर चाहिए. माने ना चाहे माने ना, अगर आप T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, अगर गेंदबाज विकेट दिलाएंगे ना तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा. अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो वो रन्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे. और जैसे अभी आप यॉर्कर की बात कर रहे थे, यॉर्कर डालने के लिए वो आपके लिए अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप यॉर्कर में थोड़ा सा भी छूके ना तो सीधा रोक के बाहर गेंद जाने वाली है. तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपकी लगातार वो प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है. और स्लो ओवर्स में अगर आप देखते हैं ना कि मैं मतलब इतनी क्रिकेट खेला हूँ, और मैंने जितने भी जो बेस्ट बॉलर्स देखे हैं, कि आप किस तरीके से अपने आप को बैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मार पड़ेगी पड़ेगी. अगर आप 5 मैच खेलेंगे तो 3 मैच में आपको अच्छी खासी पड़ने वाली है, लेकिन आप वहाँ पे 2 मैच अपनी टीम को जिता सकते हैं. यू कैन बी अ मैच विनर. तो यहाँ पे अगर टीम को लगता है, रोहित को लगता है कि शमी उनके लिए वो मैच विनर हैं, हर्षल पटेल से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे लगता है इसी वजह से उनको ये मौका दिया गया. Who tells stories? What a fascinating story would it be if someone like a Shami, जो एक साल से एक भी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच नहीं खेल चुके हैं, makes something of a backdoor entry and ends up, you know, having a big role in India's success. That would be a fantastic story, na? Because he was not in India's plans for a year.
शामी, लिसन, आई एम बिग फैन ऑफ शामी द क्रिकेटर. ओके, वो मतलब अभी जब वो आए थे, वो जाके शाहीन शाह अफरीदी के साथ बात कर रहे थे और उनको एडवाइस दे रहे थे. एंड व्हेन एवर आई सी दिस हैपनिंग, लाइक मत देना एडवाइस, प्लीज रन दे, लेट हिम डू, लेट हिम मेक द मिस्टेक ही इज मेकिंग. सो शामी ऑल्सो कम्स इन विद कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक ही फिट्स इन एवरीवेयर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. इट विल बी अ ग्रेट स्टोरी. आई हर्ड अ ग्रेट स्टोरी विच इज रिलेटेड टू दिस यॉर्कर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अभी मिसबाह उल हक से किसी ने पूछा, आई थिंक इन द पवेलियन, किसी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तानी बैटर्स इतने सारे स्कूप शॉट्स क्यों नहीं खेलते. ही इज लाइक, जब मैंने खेला उसके बाद सबने बंद कर दिया. सो आई जस्ट थिंक दैट द कीज टू बोल द यॉर्कर, बिकॉज कोई स्कूप नहीं खेलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मिसबाह. Yeah, that's a very good thing you brought up, because if there's one player जिसने वो स्कूप शॉट के टेम्पलेट को बदला, मतलब टोटली चेंज कर दिया, वो मेरे हिसाब से, अब मैं उनका लगाता हूँ फोटो, वो है जेंटलमैन सूर्य कुमार यार. एंड आई वॉन्ट, बिकॉज मनिंदर इज हियर, आई वॉन्ट टू गेट योर एक्सपर्ट, आई वॉन्ट पिक योर ब्रेन्स. मेरे हिसाब से, और मैं और सौरभ हम कल भी ये बात कर रहे थे, ये मेरे हिसाब से बेस्ट T20 बैट्समैन चल रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ द रेंज, द कॉन्फिडेंस. जब भी आते हैं जो शॉट हम सोचते हैं यार, हाँ तब मारो जब आप सेट हो, ये बंदा पहली बॉल पे आके खेलता था. Where do you see Surya Kumar Yadav in the overall? Is he the best we have right now? खाली हम नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें, वर्ल्ड में बेस्ट है इस टाइम, जिस तरीके से अगर वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर, क्योंकि आप देखते हैं ना, इस जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं, ओपनर्स कर सकते हैं कि पावर प्ले का फायदा उठा लिया, यू नो, कि थोड़ा सा टाइम लिया, फिर छः ओवर तक सारे खिलाड़ी अंदर हैं, आप अपने जाके आप स्ट्राइक रेट को तेज़ कर सकते हैं. लेकिन मिडिल ओवर्स में जहाँ पे फील्ड खुली हुई है, वहाँ पे आके फर्स्ट बॉल से जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, मुझे लगता है जस्ट आउटस्टैंडिंग है. और इससे पता चलता है कितना उनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं. 2014 में मैं के साथ KKR में था, तो इट वॉज लाइक ना कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, मैं खेलूँगा, टॉप ऑर्डर में जगह बनेगी तो शायद मेरे को खेलने को मिलेगा, अगर मिडिल ऑर्डर में जगह बनी तो सूर्य खेलेंगे. बट जब ये फर्स्ट मैच में खेले ना, तो जाती जो जिस तरीके से दो चार बॉल के बाद इन्होंने वो स्कूप शॉट लगाने शुरू किए, या विकेट के पीछे जितने कॉन्फिडेंट, तो सबको लगा शायद एक मैच में हो गया, नेक्स्ट मैच में वही काम इन्होंने दोबारा बहुत अच्छे और बेटर तरीके से किया. सो थर्ड मैच में और बेटर तरीके से किया. तो जितना आप इनको पूरा सीजन में देखा, तो मुझे लगता है कि वो जस्ट एक आउटस्टैंडिंग स्किल है इनके पास, कि वो जिस तरीके से यहाँ खेलते हैं, स्क्वेयर लेग फाइनल के ऊपर से खेलते हैं, क्योंकि हार्डली आप इनको बॉल मिस करते हुए देखते हैं. अगर 10 शॉट ट्राई करते हैं, 10 में 10 वो आपको लगते हुए देखते हैं, जिस दिन इनका दिन नहीं है तो बाई चांस मिस करके तो करके, अदरवाइज ये लगातार वो कंसिस्टेंटली शॉट खेलते हैं. तो ये वो स्किल को बनाया है इन्होंने, बहुत मेहनत करी अपने गेम के ऊपर, और राइट नाउ ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. और ये पोज देखो, द पोज दैट, आई मीन व्हाट अ ग्रेट फोटोग्राफ यू चोजन, बिकॉज़ ये तो मतलब हर शो में जब मैं इस बंदे का जिक्र करता हूं, मैं ये लगाता हूं तस्वीर, बिकॉज़ आई वांट पीपल टू ट्राई एंड डिसाइफर कि यार यहाँ हो क्या रहा है. ये बॉल शॉट थर्ड मैन, यू नो, इट्स गॉन फॉर फोर, दिस इज एन इनक्रेडिबल शॉट. गौतम गंभीर, मनिंदर, ही सेड कि वन ऑफ माय बिगेस्ट रिग्रेट्स इन दोस टू टाइटल विनिंग थिंग्स वाज नॉट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ समवन लाइक सूर्य कुमार. आई नो सौरभ इज अ बिग मुंबई इंडियन फैंस, एंड ये इट वॉज मुंबई इंडियंस जहां पे ये खिल के आए थे. बट यू नो, अबाउट 6 months ago, 4 months ago, आई वॉज गोइंग टू द स्कोर कार्ड. ये जो अभी आपने जिक्र किया उस KKR टाइम का, ही वॉज कमिंग इन प्रॉब्ली 6-7. But there were so many cameos, मतलब 18 से लेके 35-36 के scores, जहाँ पे सर strike rate was 200. So the evolution of him in many ways started in those KKR years. But Saurabh, I mean, Mumbai Indian, the fact that he got to bat at 3, that has a huge role in where he is right now. Absolutely. I mean, मतलब honestly, जब सूर्य कुमार यादव, like I mean, I think both of you watch way more cricket than I do. तो मुझे जो subtleties रहती है ना cricket की, वो कई बार miss हो जाती है. तो लोग बोलते रहते थे बहुत टाइम से, सूर्य कुमार यादव इज अमेजिंग अमेजिंग. लाइक हाँ ठीक है, अच्छा खेल रहा है, व्हाटएवर. देन आई थिंक द लास्ट कपल ऑफ इयर्स यू बीन वॉचिंग हिम, एंड आई एम लाइक, ये क्या शॉट मारा. लाइक आई फेल्ट द सेम वे अबाउट डेविन कॉनवे, हु इज अनदर पर्सन, पता नहीं कैसे स्किलफुली मार देता है. And the one reason I've started loving Surya Kumar Yadav is because he's out of the blue my son's favorite cricketer. मैं अपने बेटे से पूछ रहा हूँ कि who's your favorite cricketer? He's like Surya Kumar Yadav. And I said why? He's like, और तो मैं उसको batting का वो try करते हुए देखता हूँ, तो पहले people would try and play like shots and he's like doing this and ऐसा, पता नहीं क्या क्या risk के साथ क्या चल रहा है. And he started having chewing gums while trying to bat, क्योंकि उसको Surya Kumar Yadav बनना है. So I think like kids are also across the board, and I was talking to all his friends also, even young kids are like Surya Kumar Yadav is the one right now. Virat Kohli ke upar hai, matlab especially kyunki bacche to aajkal zyada tar T20 dekhte hain. So this photograph of his, he should win an Olympic gold in being a ballerina or something. This is an incredible, what a shot this is.
एंड फॉर ऑल यू नो दिस मैच यू आर सेइंग इट्स अ फोर ऑन थर्ड मैन आई वुड बी कन्विंस कि अगर हाँ ये एक्चुअली सूर्य कुमार यादव ने रिवर्स हुक शॉट मारा है और इट वेंट फॉर अ सिक्स अबव द बॉलर्स हेड आई वुड बी लाइक इट्स पॉसिबल सूर्य कुमार यादव वो कुछ भी कर सकता है और इसमें एक बात है जिस तरीके के शॉट्स खेलते हैं सो बॉलर्स उस चीज के लिए प्लान नहीं करते हैं उस तरीके की फील्ड आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि जो इन्होंने एरियाज पिक करे हैं रन बनाने के लिए वहां पे आप ज्यादातर फील्ड को नहीं देखते हैं वहां ज्यादातर आप कोई प्लानिंग नहीं देखते हैं और जो मुझे ना एक एबी डिविलियर्स के अंदर स्पेशल चीज लगती थी ना वो इनमें भी लगती है कि फील्ड के हिसाब से खेलते हैं शॉट्स इनके इतने पास हैं कि पिक करते हैं एरियाज को अच्छा शॉर्ट फाइन लेग अंदर है अब मैं यहाँ मारूंगा अच्छा अब आपने मिड विकेट अंदर लिया है अब मैं यहाँ मारूंगा अच्छा अब आपने मिड ऑफ ऊपर लिया तो मैं इसके ऊपर से खेलूंगा क्योंकि उनके पास गेम में इतनी सारी ऑप्शन हैं इतने सारे शॉट्स हैं तो वो बॉलर्स के दिमाग के साथ खेल सकते हैं और वही चीज आपने जो इनकी खासियत है ना वो यही है कि बॉलर के दिमाग के साथ खेलते हैं Absolutely. Poll के मुताबिक I put the question, who's the better T20I batsman, Sky or Rizwan? I'm very surprised, 50-50. शायद लोग rankings में थोड़े sway हो गए, लेकिन इस साल सिर्फ 20 रन का फासला है. रिजवान के पास 121 है और हमारे भाई के पास 101 है. This is going to be his tournament. Let's quickly move on to my favorite section. It is the quiz section, which I know Saurabh just loves. Let's play the ABP. ये भी सही होगा तो माय गॉड 5 out of 5 या सो फॉर जेमी मतलब ये मस्त हो गया है 5 out of 5 चलिए दोस्तों द क्विज सेक्शन दिस इज फॉर बोथ आवर स्ट्रीम गेस्ट एज वेल एज फॉर द फैंस क्विकली द फर्स्ट क्वेश्चन इन द टाई मैच इन द 2007 टी20 वर्ल्ड कप जो कि इन दोनों के बीच पहला टी20 मैच था व्हिच 3 प्लेयर्स डिड एमएस धोनी यूज इन द बॉल आउट एंड आई एम गोइंग टू पुट द क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स हियर एज वेल Was it Bhaji Seva Kuttappa or Bhaji Yuvraj Kuttappa? Maninder, start with you. Bhaji Sehwag Kuttappa. Okay, Saurabh? Correct, that's the one. Let our viewers think for another 10 seconds. Dosto, aapko lagta hai 66% are in agreement with you. 34, let's see if it's going to change. Tuck, 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 tuck. Poll ke mutabik. You are both absolutely correct. I think I started with a gentle Uttappa type of spinner. You're right. It was Bhaji, Sehwag, and Uttappa. The viewers have got it. Arre, 62% got it. He was bowling medium pace, if I remember correctly. अगर आप ये देखेंगे ना तो एमएस धोनी की क्लास ये थी कि वो देख रहे थे कि उनकी टीम में कॉन्फिडेंट कौन है अगर आप पाकिस्तान की टीम देखेंगे तो उन्होंने तीनों बॉलर्स पिक करे थे और उनकी एक भी नहीं लगी थी तो उसने देखा एमएस धोनी ने देखा मेरी टीम में कॉन्फिडेंट कौन है जो लगातार अपने भरोसा रख के विकेट मार देगा एंड पाकिस्तान वेंट फॉर 3 फास्ट बॉलर धोनी टुक द 3 स्लोएस्ट बॉलर्स ही हैड नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट सेम मैच एक अफरीदी ने भी डाला था शायद हां इन द हु मेड द टी20आई डेब्यू इन दैट मैच वाज इट सोहेल तनवीर और अब्दुल रहमान टफ वन एक तो होने चाहिए अब्दुल रहमान इज लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट जी 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 आई एम गोइंग टू गो विद अब्दुल रहमान आई थिंक सोहेल तनवीर इज लाइक 15 इयर्स बैक मे बी टू एक्चुअली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से मतलब 14 की उम्र में खेल लेते हैं व्हाट इज द आई एम गोइंग टू से अब्दुल रहमान आई विल गो विद सोहेल तनवीर यू गोइंग विद सोहेल तनवीर सोहेल तनवीर You're absolutely right. It is Sohail Tanveer. All the other players had played. He had not played. That was his debut match. Chaliye. Third Bhai question. Bhai, kaise dikhta tha sir? Mere ko pata nahi tha. Hota hai to. That's the nature of it. Just go for it. Who played their first T20I against India in 2016? Was it Mohammad Sami or Mohammad Amir? 2016 मोहम्मद सामी जो 2001 में डेब्यू किया था उनको कुछ 7 साल के बाद वापस लाया गया था एंड ही हैड नॉट बिकॉज़ ही नॉट प्लेड ऑल दोस इयर्स इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन एंड हिज फर्स्ट टी20 अगेंस्ट इंडिया गुड दिस इज गुड आई एम ग्लैड आई हैव गॉट सम
I'm glad I've got some heart. Now, this one is much more closer to home. In last year's match between these two teams, Virat Kohli got the only 50 for India. Who was the next highest score? Was it Pant or Jadeja? Zyada run nahi bane match mein. नहीं, इन द लास्ट मैच, मतलब अभी जो सबसे लास्ट मैच था कि कब वाला? दिस सेम टाइम इन द T20, इन द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर मैच वेयर अफरीदी हैड अ टेरिफिक ओपनिंग स्पेल, विराट बैटेड अ लॉन्ग एंड ही गॉट द ओनली 50 फॉर इंडिया. उनके बाद किसने ज्यादा रन बनाए उस पारी में, पंत या जडेजा? जडेजा. ओके, just to you know, I think it's just to be a contrarian, I'll say Pant. ऐसे ही time pass के लिए मैं बोलेगा Pant, because I mean come on, you have to have solidarity. Pant got 39 of 30 balls. Jadeja got the next highest, which was 13 runs. तो मतलब not much to choose from, but Rishabh Pant and typical Pant ने वो shot मार के वो out हुए थे. चलिए सबसे आखिरी वाला, this one I had to put some my brains to. This is a true or false question. Okay. No India versus Pakistan match has seen a century scored or a hat-trick taken. True or false? In T20s. India-Pakistan T20 matches में जो अब तक हुए हैं, इसमें किसी ने शतक नहीं लगाया और किसी बॉलर ने हैट्रिक नहीं लिया. ये सही है या ये गलत है? True or false? अभी तो 11 matches हुए हैं साथ में. ये अभी तीन तो अभी हो गए और वो था चौथा. अच्छा, उसमें तो कुछ 2007 वर्सेस फर्स्ट वन. ये आई एम गोना से ट्रू. आई थिंक गलत है, नहीं किसी ने नहीं किया अभी तक. सो इट्स ट्रू देन, इट्स ट्रू. या या, सो इट्स ट्रू. या, यू आर बोथ राइट. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. द हाईएस्ट आई थिंक इज देयर इज अ 80 ऑड बाय विराट कोहली एंड द बेस्ट देयर आर कपल फोर विकेट हॉल्स बट नो वन हैज गॉट ए हैट्रिक. चलिए लेट्स गेट इनटू द लास्ट थिंग. इट्स कॉल्ड प्रेडिक्शनरी. Because we actually are running out of time. Predictionary is, let's see who's going to predict what for this match. Sorry, I'll start with you. Your prediction, in short, aaj ke vijeta kaun honge? तो मैं नंबर्स भी बता दूंगा, बिकॉज अभी तक जितने सारे सबने जो प्रेडिक्शंस किए सारे मैचेस के, नोबडी हैज बीन करेक्ट. ओके, नोबडी प्रेडिक्टेड कि वो लोग 200 बनाएंगे, वो लोग 111 बनाएंगे, कि अफगानिस्तान का इतना रहेगा इतना रहेगा. आई एम गोना गो कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीबॉडी इज प्रेडिक्टिंग, बिकॉज एवरीबॉडी प्रेडिक्ट्स की मीडियम साइज होगा. आई एम गोना से पाकिस्तान इज गोना स्कोर 129 एंड आई एम गोना से इंडिया इज गोना बी 134-8 एंड विन द मैच. आपके पास कोई डिश एंटीना तो नहीं है जो आपने मैच पहले से देख लिया? जगह है वैसे. आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्कोर में पहुंच गए. एक बार मैंने करेक्टली प्रिडिक्ट किया था. एक बार आई थिंक जब पहली बार आई थिंक आईपीएल का जो सेकंड या तीसरा फाइनल था, आई प्रिडिक्टेड द एग्जैक्ट स्कोर, और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ 14 साल से कि एक बार और वापस आ जाए. सो लेट्स सी, मेबी टू रेज द डे. एक्चुअली इंडिया की बारी आती है तो मुझे लगता है कि प्रेडिक्शन मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं हमेशा इंडिया के साथ जाऊंगा. दिल इमोशंस वहां जुड़े हुए हैं. दिल और दिमाग दोनों, और मुझे और एक ऑब्वियसली दिल तो हमेशा जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, जो पिछले टाइम से जो एक पूरी टीम दिखती है ना आपको, तो मुझे लगता है दिमाग भी यही कहता है कि ना कि भारतीय टीम के ज़्यादा चांसेस है इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि बॉलिंग कंप्लीट है आपकी, बैटिंग कंप्लीट है. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि आपके पास एक बहुत अच्छा एक बंच है क्रिकेटर्स का जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर से बना हुआ है. तो ऑब्वियसली आई फील कि इंडिया मैच ही जीतेगी, एंड पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, आई थिंक दे विल स्कोर क्लोज टू 150. ओके, आई वाज गोना से अराउंड द 155 टू 158 मार्क, एंड इंडिया टू विन रादर कंफर्टेबली बाय 4 to 5 wickets. आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज़ दिस टाइम लास्ट ईयर आई वाज सो ऑप्टिमिस्टिक पर हुआ नहीं, बट आई एम गोइंग टू से दैट. Gentlemen, Manvinder, Saurabh, absolute pleasure having you on the show. We'll see you again throughout this tournament. Thank you to all our viewers. Enjoy your Sunday. May India win. Take care. Thank you so much. Nice meeting you, Manvinder, sir. See you, Jamie. Bye-bye, everybody. Bye-bye, everyone.